तो गाइस कैसे आप सभी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉप्स अकेडमी पर। मैं हूं अरुण पटेल और हमारी जो एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसमें भी चार पांच दिन का ब्रेक हो गया था, कुछ कैजुअलिटीज हो गई थी। वापस से आपको रेगुलरली वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 24 जुलाई 2016 के सेकंड शिफ्ट वाले पेपर की। फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जैसा कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। 10 अगस्त लास्ट डेट है और जेल प्रहरी की प्रिपरेशन के लिए आप मैथ्स, एमपी, जीके, हिंदी रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही है। मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जेल प्रहरी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक जमा धनराशि पर 4.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कितने प्रतिशत, 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष का ब्याज 202.50 पैसे होता है। 202.50 रुपए एक वर्ष में 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से उसी जमा राशि पर कितना अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा। यानी कि अगर 5% वार्षिक दर हो तो इसमें और 5% से जो ब्याज होगा उसमें कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर हम मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन निकालने के लिए तो 202 रुपये है ही से हमारे पास। यहाँ पर आपका मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं, 4.5% की दर से एक वर्ष का ब्याज ये होगा। ये ब्याज होगा यहाँ पर 100 का इधर गुणा करने के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट का 10 हो जाएगा तो एक और 0 यहाँ पर लग जाएगी। 45 इसके बटे में जाएगा, यहाँ से 1 से आ गया, इसको 5 से काटेंगे, 9 बार कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, 5×20 भाग नहीं जाने 0 25 25 और 00 लगा दी, 5 और 4 9 हो गया, यानी 9 से कट जाएगा। तो 9×36 4×45 9×45 00 हो गया, यानी 4500 रुपए इसका मूलधन है। अब यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं 4500 रुपए का 5% दर से एक वर्ष का, 5×25 और 4×5 20 और 22 225 रुपए हुए। अंतर कितना हुआ, 202.50। तो ये 0.50 तो यहाँ पर ऐसा कैसा, और 25 में से 2 गया 3 गया तो 22 बचे, 22 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल स्क्रीन पर देखो। यदि एल व एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्या कह रहा है एल और एम, ये एक रेखा ये हो गई, ये एक रेखा ये हो गई, इसको हमने एल नाम दे दिया, इसको हमने एम नाम दे दिया। आगे क्या कह रहा है, एल एक अन्य रेखा है, एल एक अन्य रेखा पी के समांतर, एल जो है अन्य रेखा पी के समांतर, समांतर यानी कि हमने समांतर लगा दिया और ये पी हो गया। एम क्यू के समांतर है, भैया एम जो है वो क्यू के समांतर, यहाँ पर हमने क्यू कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो इसकी लंबाई दोनों की बराबर है क्या, तो आप जो समांतर रेखाएं रहती है उनको आप बराबर या फिर उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं, अनंत तक रेखाएं रहती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें तीन चारों में क्या संभावनाएं हैं, इनमें क्या रिलेशन है, पी और क्यू भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ऐसा है क्या, यहाँ पर पी जा रही है इधर से क्यू जा रही है, प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, क्या प्रतिच्छेदी रेखा, बिल्कुल है, यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या दूसरा तीसरा चौथा है क्या सही, नहीं है। पी क्यू समांतर है क्या, भैया पी ए से जा रही है क्यू ए से जा रही है, नहीं है समांतर। संगामी है क्या एल पी क्यू या एल एम पी क्यू, नहीं है। तो आपका पहला आंसर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी, सामान्य हिंदी, एमपी जीके, जियोग्राफी, मैथ्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि हमारी क्लास चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी मैंने। एग्जाम नोटिफिकेशन जो भी एग्जाम आती है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड यानी कि जो पूरा उसका शेड्यूल रहता है उसमें आपको कहां पर क्या गलती नहीं करनी वो चीजें मैं आपको बताता हूँ, तो वो जरूर देख लिया करें आप। अगला क्वेश्चन है कि 1985 का 143% बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1900, यहां पर क्वेश्चन मार्क निकालना है तो एक्स यहां पर कर लेंगे। 1985 का 143% यानी 143/100 इज इक्वल टू यहां पर एक्स हो जाएगा 1900 भी बटे में आ जाएगा। यहां पर अगर हम इसको 19 से कम 19 नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 5 से तो 20 बार कटेगा, इसको 5 से काटेगा 5 किया
15, 4 बचा 48 हो गया, 5 45, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35। अब 19 से कट रहा था, नहीं कट रहा, तो इनका इनका गुना करेंगे और 19 दून कितना हो गया, 38 और 1 2 3 जीरो यहाँ पर ये हो गई। इनका गुना करेंगे तो इनका गुना हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, 143 का गुना। 7 21 का 1 हासिल आया, 2 9 27, 2 29 का 9 हासिल आया, 2 3 3 9 2 11 हो गया, 7 28 का 8 हासिल आया, 2 अगर 9 4 36 और 38 का 8 हासिल आया, 3 हो गया और 4 3 12 3 15 हो गया, 1 है तो यहाँ पर 7 9 3 हो गया, 1 9 8 17 का 7 हासिल आया, 1 8 9 16 17 का 7 हासिल आया, 1 9 और 7 कितना हो गया, 16 का 6 हासिल आया, 3 और 1 4 और 5 56,771 गुना करके देख लेना या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पर आपका 56,771 में आप 38,000 का भाग देंगे, यानी मान लीजिए 38 का भाग दिया आपने, 38 का भाग दिया कितने में आ जाएगा, 38 से कम 38 हो गया, 3 जीरो आपके पास रखी हुई है, 38 से कम 38 हो गया, यहाँ पर 16 में से गया तो 8 बचा, 5 में से आएगा तो 1 बचा, 18 हो गया, 187, 38 दून 76 दून 152, 4 बार गया 152 हो गया, 7 में से 2 गया 5 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 35 हो गया, एक और 7 निकाला, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही भैया, बारिश का मौसम है, फिर भी भगवान इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हो रहे, गांव के बाहर दाल बाटी बना ली, फिर भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा यार। अब भी प्रेफर 357 38 यहाँ पर 152 दून 304 और एक और, यानी कि 8 और 1 9 बार से लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार जाएगा तो 38 52 342 342 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 5 में से आएगा तो 1 बचा, 15 हो गया, 151 यहाँ पर निकल आएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहां से जितना भी आया कितना बचेगा, 37 बचेगा, एक कम 152 हो गया है ना, उड़ा कम इसका मतलब ही नहीं है, एक जीरो लगाई यहाँ पर, दशमलव लगाई, 370 हो गया, यानी कि 9 बार गुना हो जाएगा, बस रोक दो, 3 जीरो थे यहाँ पर तो 1 2 और 3 के बाद ही पॉइंट लग गया, 1.49 और ये 4 कर लो इसको, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा होगा तो अब ये तो इसलिए हो गया इतनी जल्दी क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, आपकी भी अगर ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी है, आप इस सब कम टाइम में कर सकते हो, यानी कि मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए भी टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि निम्नलिखित में से खालिस्तान तथ्य असत्य है, यानी कि ये 4 ही, इनमें से 3 तो सत्य होंगे, 1 असत्य है, कोई ऐसा भिन्न नहीं है, कोई सा भी ऐसा भिन्न नहीं जिसे परिमेय संख्या के रूप में निरूपित नहीं किया था, यानी कि सारे भिन्न को परिमेय के रूप में निरूपित किया जा सकता है, सत्य है भिन्न है यानी कि परिमेय है, एक दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्या एक दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, हो सकती है या सत्य है, एक दशमलव संख्या यानी कि 0.1 है, अब ये दशमलव संख्या ये 1/10 थी कहीं ना कहीं, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये आपका असत्य यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकते, बिल्कुल आप ऋणात्मक इसको ऋण कर दो, परिमेय तो है, कोई ऐसा पूर्णांक नहीं जिसे परिमेय संख्या के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, 2 है, 2 के अपॉन में 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये परिमेय संख्या के रूप में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत यानी कि ये, लंबवत यानी कि ये, अब यहां से एक भुजा ये गई, यानी कि इसको हम इतना ही माने, एक दूसरे के समांतर है और आसन्न भुजा ये और ये भी एक दूसरे के समांतर है, यानी कि चौड़ाई लंबाई के समांतर है, अब यहां पर अगर लंबवत है तो ये समांतर चतुर्भुज तो है, समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन इसको हम आयत भी कहते हैं, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयत, ये हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि लंबवत है, अगर ये ऐसा ऐसा बनता तो ये हो जाता, आपके ऑप्शन में अगर चतुर्भुज दिया है तो चतुर्भुज हो जाता, या फिर समलंब चतुर्भुज हो जाता, सम चतुर्भुज बनाने के लिए इसको इतना कर देते, यानी कि 4 भुजाएं समान, लेकिन ये भुजाएं इसकी थोड़ी तिरछी है, तब होगा ये सम चतुर्भुज या समलंब, अब ये आयत होगा तो आपका आंसर आयत हो जाएगा,
उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। भैया व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा यानी कि 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया बाय 2 था तो ये 2 11 हो गया, 11/77 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। एक चीज और, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यहां से नहीं एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करनी है, मन भर गया है, मन भर गया आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते आपको और कुछ काम करना है, तो आपको पर्सनल मतलब आपकी स्किल कैसे डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है लोगों से, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों में इम्प्रूव करना है, इनको इंक्रीज करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं कुछ वीडियो क्लिप्स डालता हूँ, वो आपको बहुत सारी चीजें सीखने में हेल्प करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि log 3x is equal to minus 2 है, log यहां पर बेस में 3x is equal to minus 2 है, तो ये जो x है इसका मान निकाल के बताइए आप। तो देखिए log की एक प्रॉपर्टी रहती है, यहां पर log मान लीजिए b और ये था c is equal to k, तो अगर आपको c का मान निकालना तो ये हो जाएगा c is equal to b की पावर k हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये x हो गए, अब यहां पर ये b है तो b की पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब x is equal to यहां पर माइनस में है तो इसको 1/3 की पावर 2 is equal to 1/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। log का चैप्टर नहीं पढ़ाया मैं, log की प्रॉपर्टीज है बहुत सारी है, उसके फॉर्मूला है, प्रमेय है उसकी, तो वो अगर आपको पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट करके बता दिया करो, है ना। अब मैं अगर एक आदमी मुझे कमेंट नहीं करेगा इसका मतलब आपको सबको पता है ये सारी चीजें, तो फिर मैं खुद से कैसे मैनेज कर पाऊंगा। अगर क्वेश्चन है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसके बिंदु P, वृत्त का केंद्र बिंदु O है उसके बिंदु P पर, अब यहाँ पर हम डायग्राम से बिल्कुल सीधा सीधा समझ लेते हैं, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ये O है। अब ये कह रहा है इसका एक बिंदु P पर AB एक स्पर्श रेखा है, AB हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये बिंदु P है और ये AB स्पर्श रेखा हो गई, और आपकी OP जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। ये कह रहा है कि तो OP वृत्त की त्रिज्या है, तो OP AB के समांतर है, क्या दिख रहा है समांतर, नहीं, OP AB पर लंब है, OP AB पर लंब है, बिल्कुल सही बात है, OP लंब है AB पर, ध्यान से देखो, OA लंब है PB पर, OA कुछ मीटर ही नहीं बनता है और OB भी कोई मीटर नहीं बनता है, यानी कि आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अंडर रूट 64/125 क्या है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर देखिए ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको अंडर रूट में अभी अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 8/25 हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो गई p / q के रूप में परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा एक न्यून कोण है तब साइन थीटा का अधिकतम मान ले सकते हैं। अब देखिए थीटा न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा यानी कि साइन थीटा के लिए आप नॉर्मली मान जो है वो हम अगर माने तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनसे ऊपर नीचे भी है, लेकिन देखिए अब यहां पर मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 हो सकते हैं। तो यहां पर आपका वो कह रहा है साइन थीटा का अधिकतम मान ले सकते हैं, अब इसमें हम अधिकतम मान आपका अगर ये ऑप्शन देते चाहो तो हम ले सकते थे, लेकिन आपके जो ऑप्शन में 1, 0, 2 और -1 दिया हुआ है, तो देखिए आपके आंसर उन्होंने दिया हुआ -1, ये जो कि कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं है, माइनस में तो आई ना रहा इसका मान, तो ये बिल्कुल गलत है। अब आप इसमें 0 कर सकते हैं या फिर कोई सा भी कर सकते हैं, इसे यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर बिल्कुल नंबर जो है वो मिलने ही है,
जहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन करेंगे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए मार्कर बदल लेते, मार्कर सही नहीं है। अब बात आ जाती है पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस का। एक मिनट रोकना बस। चलिए तो यहां पर पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होगा, है ना। उसमें से मैं यहां पर ये बना लेता हूं, ये जो पाई चार्ट है वो बना लेता हूं। यहां पर दिया हुआ है कि पाई चार्ट 1999 देश के विभिन्न भागों में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। 1999 में देश के विभिन्न भागों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, क्या क्या प्रतिशत है यहां पर? अड़तीस प्रतिशत बिहार का है, 16% यूपी का है, 11% यहां पर उड़ीसा का है, उसके बाद 10% डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल का है और 25% अदर स्टेट्स का है, है ना। ये आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। अब यहां पर देखेंगे, अब एक और ग्राफ दिया होगा जिसमें फ्रेशर्स जो है उनका परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रेशर्स का परसेंटेज दिया हुआ है इनमें से, यानी कि अगर ये उड़ीसा में अगर 100 छात्र है तो उसमें से फ्रेशर्स कितने हैं, कितने परसेंट, तो वो जो परसेंटेज दिया हुआ यहां पर हम डिनोट कर देते हैं। एक मिनट का टाइम लग रहा है। 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहां पर दिया हुआ है क्या है, 20 से 25 पर गया, 25 से 15 पर गया, 15 से फिर 25 पर गया और फिर 12 पर चला गया। 20, 25, 15, 25 और 12 यहां पर बिहार, यूपी, उड़ीसा, डब्ल्यूबी और अदर, यानी कि इनमें से, यानी कि 11% है, 11% जो है वो इसका है, 11% मान लीजिए 80 लोग थे जो उत्तीर्ण हुए, 80 में से उड़ीसा में 15% फ्रेशर्स है और 85% नॉन फ्रेशर्स है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम बाद में करते हैं फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा चल रहा है ना, पहला क्वेश्चन जो है इसका। अब हम 11वां क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ये चौथा था, 11वां करते हैं। यदि वर्ष 2000 में बिहार और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि 10% और 20% की हुई, इनके बिहार और अन्य राज्यों में 10% और 20% की वृद्धि हुई सन 1999 की तुलना में, तो वो ये कह रहा है कि 1999 में उड़ीसा से कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 77 है, उड़ीसा से 77 है संख्या 1999 में, तो वो ये कह रहा है कि बिहार और दूसरे राज्यों से कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या लगभग कितनी होगी 2000 में। तो देखिए हम पहले तो 1999 की संख्या निकाल लेंगे बिहार और अन्य राज्यों की। भैया उड़ीसा 77 है, यानी 77 यानी 11%, ये 11% है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बिहार में, बिहार कितना, 38% 1999 में, तो बिहार में 1999 में कितने रहेंगे, 38 × 7 यानी 7 × 56 का 86 है, 5, 7, 21 और 5 कितना हो जाएगा 2226। अन्य राज्यों में यानी अदर्स 7 × कितने हैं 25, 1% निकाल लिया हमने, 25 × 175। अब 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में इसमें 10% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि। तो हम देखिए कभी कभी आप क्या करेंगे, 38 + 10 यानी 48 कर देंगे, लेकिन 48 नहीं करना है ना। 226 का 10% कितना होगा, 22.6 होगा, इसका 20% कितना होगा, 35 होगा, 17.5, 10, 17 × 34 होगा 35। अब ये सारे जोड़ लेंगे, यानी ये और ये, तो ये क्या हो जाएंगे सन 2000 में संख्या हो जाएगी, यानी 226 × 175 जोड़ने कितना होगा, 6, 5, 11 का 1 हासिल आया, 1, 7, 2, 9, 6, 5, 11 का 1 हासिल आया, 1, 7, 2, 9 और 1, 10 की 0 हासिल आया, 1, 2, 3, 4
256 का 6 5 और 7 31 और 5 26 266 रहेगा, तो ये 26.6 रहेगा। माफ कीजिएगा मैं गलती हो गई है ना, माफ कीजिएगा भाई साहब। 6 और 5 11 का 1 हंसला 1 हो गया, 7 और 6 13 और 14 4 हंसला 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 423 तो ये हो गया। 2653 कितना हो गया, 6 5 11 का 1 हंसला 1, 3 2 5 4 6 61 हो गया, 441 61 जोड़ेंगे कितना हो गया, 502 हो गया। आपके क्वेश्चन में बोला लगभग, लगभग का बोला आपके ऑप्शन जो है उसमें आपको 500 इसके इर्द गिर्द यानी 500 आपका आंसर रहेगा लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, पढ़ लो अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पर समझ लो, यदि उत्तर प्रदेश के गेयर फ्रेशर्स उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 1999 में 60 थी, यूपी के गेयर फ्रेशर्स 60 थे 1999 की बात हो गई, तब देश के सभी भागों से कुल कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, यानी कि यहां पर हमें गेयर फ्रेशर और फ्रेशर जोड़ लेंगे तो हमारा 16% आ जाएगा, ठीक है। तो ये गेयर फ्रेशर्स यूपी के फ्रेशर है 25, तो गेयर फ्रेशर कितना होगा 75, तो ये गेयर फ्रेशर है यानी कि 75% = 60 है, 100% इज इक्वल टू 80 हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। 80 हो गए, 80 बराबर कितना हो गया 16% जी, टोटल हो गए ये 100% इसमें गेयर फ्रेशर और फ्रेशर हो आ गए प्लस 25 कर, ठीक है। अब 80 = 16% तो 100% = 80 × 100/16, 100 × 80 और 100 × 5 का गुणा किया तो 500, यानी कि वर्ष 1999 में टोटल राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1999 में देश के विभिन्न भागों से कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 650 थी, 650 उत्तीर्ण हुए उम्मीदवार, तब बिहार से 1999 में कितने गेयर फ्रेशर उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, बिहार के गेयर फ्रेशर्स की बात हो रही है, बिहार के गेयर फ्रेशर्स यानी बिहार के गेयर फ्रेशर्स, फ्रेशर कितने 20, तो 80% क्या हो जाएंगे गेयर फ्रेशर्स यानी 650। देखिए पहले तो 650 का आप क्या निकालेंगे, बिहार का 38% निकालेंगे, ठीक है। तो 650 × 38/100, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 19 बार, ठीक है। 19 से कितना होगा 57 का 7 हंसला 5, 19 और 5 कितना होगा 24, 247 तो बिहार के फ्रेशर्स और गेयर फ्रेशर्स है। अब गेयर फ्रेशर्स कितने 80%, तो 247 का 80% निकालेंगे, ये 20 से 4 बार, ये 20 से 5 बार, 4 को गुणा करेंगे 28 का 8 हंसला 2 4 16 और 18 का 8 हंसला 1, 4 2 8 और 1 9 988 और 5 का भाग देंगे तो 9 1 9 4 48, 9 5 45, 9 5 45 3 38 हो गया और 5 7 33 10 30 बचा, 5 6 30, 197.6 आपका ऑप्शन में 198, तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग में 198 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत गर्मी है यार। अगला क्वेश्चन, यदि 1999 में यूपी से कुल उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 112 थी, यूपी से 112 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, वो कह रहा है कि बिहार से फ्रेशरों की संख्या और उड़ीसा से गेयर फ्रेशरों की संख्या, बिहार के फ्रेशर और उड़ीसा के गेयर फ्रेशर इनकी संख्या का अनुपात निकाल रहा है। देखिए यूपी से 112 थे तो बिहार से कितने होंगे, पहले तो यूपी से 112 यानी कि 16%, 1% = 112 में 16 का भाग देते हैं तो 16 × 112 1% = 7 हो गया। बिहार से कुल कितने हो गए 38 × 7 256 का 6 5 7 21 5 266 हो गए, उड़ीसा से टोटल कितने हो गए 11% है, 11 × 7 कितने हो गए 77 हो गए।
अब वो ये कह रहा है सतोत्तर होगा ठीक है, ये कह रहा है कि यहां से तो फ्रेशर यानी इसके फ्रेशर कितने हैं बिहार के, बिहार के फ्रेशर 88% 80% सॉरी फ्रेशर ये 20% है, तो फ्रेशर्स 20% है यानी कि 26.6 × 2 यानी 53.2 हो गए ठीक है, 53.2 हो गया, ये तो फ्रेशर हो, इसके गैर फ्रेशर उड़ीसा के फ्रेशर कितने 15%, तो गैर फ्रेशर कितने हो 85%, तो भैया 77 × 85/100 यहां से 5 × 17 यहां से 20 17 × 17 ये कितना होगा 119 का 9 से 11 17 × 17 119 और 11 कितना होगा 130/20 यहां से समझ सकते 2 × 12 1 × 10 हो गए 2.10 और 2 × 8 2 × 8 यहां पर 5 65.45 तो ये इनका अनुपात हो गया, तो आपके ऑप्शन में नहीं है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है। अब ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैंने 5वां क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन है लेंगे, अब लास्ट में हम कर लेंगे। देखिए वो कह रहे हैं यदि 1999 पश्चिम बंगाल से कुल उत्तीर्ण लोक संख्या 160 है, डब्ल्यू बी से उत्तीर्ण कितने हैं 160, तो दूसरे राज्यों से परीक्षा में उत्तीर्ण गैर फ्रेशर उम्मीदवारों की संख्या, मतलब सारे राज्यों के गैर फ्रेशर निकालने हैं, यानी कि यहाँ पर 80% 75% 85% ये कितना हो गया 75% और यहाँ पर 88% उनको प्लस करना है आपको ठीक है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आगे कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ डब्ल्यू बी 160 हुआ है ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ही डब्ल्यू बी से 160 है, तो डब्ल्यू बी की क्या बोल रहा हूँ गैर फ्रेशर, तो यहाँ पर डब्ल्यू बी के गैर फ्रेशर कितने हो जाएंगे 75%, तो 160 का 75 यहाँ पर आपका ये कितना है 10% है वेस्ट बंगाल ये 10% और 1% कितना हो जाएगा 16 1% इसका ठीक है, यानी कि आपको सारे परसेंटेज में 16 गुणा करना 38 × 16 16 × 16 ठीक है, तो यहां पर आपका 160 का 75% कितना आ जाएगा 3 बार कटा ये 4 बार कटा और यहां पर ये 4 से कितना बार कटा 40 बार, तो 40 × 120 हो गए, ये तो आ गए डब्ल्यू बी के गैर फ्रेशर, ऐसे ही आपको बिहार के गैर फ्रेशर निकाल रहे कितने रहेंगे 38 × 16 16 × 128 = 18 16 × 48 = 12 16 × 48 = 12 608, तो इसके टोटल हो गए, इसके गैर फ्रेशर कितने रहेंगे बिहार के 20 फ्रेशर्स है 80% इसके गैर फ्रेशर रहेंगे ठीक है। अब यहाँ पर 120 आए, यहां पर जो भी आए फिर उसके बाद आपको उड़ीसा का सॉरी यूपी का उड़ीसा का और अदर राज्य का, पहले तो आपको क्या करना है उड़ीसा यानी कि 16 × 11 करना है ठीक है, यहां पर आपको सॉरी यूपी 16 × 16 करना है 16 × 11 करना है और अदर में 16 × 25 करना है, फिर जो आएगा उसका आपको यूपी के लिए 75%, फिर उड़ीसा के लिए 85% निकालना है और अदर के लिए आपको 88% निकालना है, सबका योग 120 का यहां पर जो आएगा उसका योग यहां पर यहां पर यहां पर वो जो योग आएगा वो आपका आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आपका मुझे परफॉर्मेंस जो है बहुत ही वीक लग रहा है, आप बिल्कुल भी मतलब माइंडसेट नहीं बना रहे एग्जाम के प्रति, माइंडसेट नहीं बना रहे आप, सिर्फ पता नहीं किन चीजों में लगे हुए हैं, तो आप जरूर ये क्वेश्चन करें और बाकी आपके क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए होंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो तैयारी कर सके, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।